अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ बल्दिया उज़्मा के इंतखाबात अन करीब मुनक़द होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में प्रभाग रचना की गई थी। आज वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद और ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मोहम्मद वसीम सागर ने प्रभाग 1 और 13 की रचना पर अदम इत्मीनान का मुजाहरा पेश करते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। नांदेड़ शहर और ज़िले की राजनीति सरमायादार सियासतों के चुंगुल में फंसाकर वार्ड रचना के अंदर हमेशा शरारत करने का काम नांदेड़ में होता है। ये हमने पहले भी देखा है और 2017 में इसी तरह हमने सिख समाज की बस्तियों को दिगर माइनॉरिटी की बस्तियों में बांटकर उन्होंने वहाँ का संख्या बढ़ कम किया था और सिख समाज का प्रतिनिधित्व घटाने का षड्यंत्र किया था। ऐसी SC समाज की भी बस्तियों को काटा था, जिसके लिए 2017 में भी हम लोगों ने एक ग्रुप बनाकर उसके लिए लड़ाई लड़ी थी और वो लड़ाई के बल पर हमने बदलाव कराने पर मजबूर किया था। इसी तरह इस साल भी हमने देखा कि जो प्रभाग रचना जाहिर की गई है उस प्रभाग रचना के अंदर भी बड़ी गड़बड़ी की है। प्रभाग क्रमांक 1 जो होता है वो पहले 4 सदस्यों का प्रभाग हुआ करता था, जिसको अब 3 का हो गया। इस कारण अब प्रस्तापित सरमायादार समाज को चुनाकर लाने के लिए उन्होंने प्रभाग क्रमांक 1 के अंदर जो आदिवासी समाज की बस्तियां होती है उसको काट दिया और प्रभाग क्रमांक 1 में एक बड़ा हिस्सा SC ST समाज का रहते हुए भी उसको आरक्षित करने की नौबत ना आई, इसलिए 13 में एक टुकड़ा डाल दिया और 13 को और 18 को आरक्षित करने का एक साजिश इस वक्त चुनाव आयोग के आदमी को हाथ में रखकर प्रस्तापितों ने किया, ऐसा हमारा निरीक्षण है, ऐसा हमारा आरोप। हमने आज चुनाव अधिकारी के सामने हमारे समूह के तौर से प्रतिनिधित्व करते हुए कहा है कि प्रभाग 1 के अंदर आदिवासी समाज की बड़ी बस्ती आती है जिसको 13 में डालने का आप काम कर रहे हैं, तो आप 13 और 1 ये दोनों प्रभाग के अंदर की बस्ती को ST के लिए आरक्षित करें। प्रभाग क्रमांक 1 में जो बस्ती आती है उसको वहीं रखें। वो तो रखने के बावजूद भी 13 में ST समाज का एक प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए दोनों प्रभागों को SC के लिए भी आरक्षित करें, क्योंकि प्रभाग क्रमांक 1 में जो SC बस्तियाँ आती है उसको उन्होंने 2 और 3 में 1, 2, 3 में 3 हिस्सों में बांट दिया उसको, जबकि SC समाज का अपने बल पर एक प्रतिनिधि चुनकर आ सकता है, इतना उनका संख्या बल है। 2017 में 95% आबादी का उनकी हिस्सेदारी उसमें थी, अब उसको घटाकर 84% कर दिया, जिसकी वजह से SC समाज की नुमाइंदगी कम हो रही है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि प्रभाग क्रमांक 1 के अंदर 3 में से 1 ओपन को रखें, 1 SC को 1 ST को रखें। इसी तरह 13 के अंदर भी प्रभाग 13 में भी SC ST के साथ एक ओपन को इस तरह से अगर देंगे तो उन समाज को एक प्रतिनिधित्व मिलेगा और जब ये समाज के प्रभाग 1 हो जाएंगे तो बची हुई बस्तियाँ उनको लेना लाजमी होगा, जिससे अदर ओपन क्लास के लिए बेनिफिट होगा, जिसके अंदर फिर माइनॉरिटी आए या हमारे मेजोरिटी हिंदू तबका है। तो ये कानून के तहत जो नियम होते हैं, नियमावली के तहत हमारी डिमांड है और ये डिमांड हमने बड़े अच्छे ढंग से निवडणूक अधिकारी को बताई है और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इसके ऊपर अमल करेंगे और ये बदलाव करेंगे। अगर वो बदलाव नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह इस बार भी हम हाईकोर्ट में जाएंगे और इनके प्रभाग रचना को इंशाल्लाह चैलेंज करेंगे। ठीक है, 15 वार्ड आरक्षित थे 2 ST के, तो प्रभाग 4 में एक SC ST था और एक प्रभाग 19 में SC ST था, परंतु उन्होंने 2022 के अंदर क्या किया है कि 13 प्रभाग के अंदर 5.38 के अंदर वार्ड बना दिया है और 28 प्रभाग के अंदर 6.67 पे एक वार्ड बना दिया है। अब इनकी दोनों की आबादी को इन्होंने ST की आबादी को तोड़कर 13 के अंदर डाला है इन्होंने 937 आबादी, जो कि 5.38 आबादी के ऊपर वार्ड है, और एक नंबर प्रभाग की जो आबादी डाली है इन्होंने तो 8.13। अगर ये 2017 की EB को तोड़ेंगे नहीं तो 1417 की आबादी पर एक वार्ड बन जाएगा, जो कि पहले 4.42 पे बनाया है इन्होंने, उन्हें 5.38 पे बनाया है, अभी 8.13 पे हो जाएगा, उनकी आबादी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी। और अभी फ़िलहाल आरक्षण का कोई मुद्दा नहीं है, परंतु अभी अगर ये ST SC की आबादी को कम और ज़्यादा करेंगे तो परिशिष्ट 6 के अनुसार वही प्रभाग जो है वो रिजर्व होते हैं। अब इसके अंदर 937 में 480 आबादी को उन्होंने बाहर कर दिया है, 15 नंबर में डाल दिया है, इसको 13 में डाल देंगे तो 14-17 आ जाएगी, 2017 की जो है पोजीशन आ जाएगी, ST की आबादी इसमें बढ़ जाएगी। इसी तरह इन्होंने प्रभाग 28 को रिजर्व किया है, यहाँ पर एक ST भी है और SC भी है, परंतु इसके स्थान पर एक प्रभाग 1 के अंदर SC भी रहेगा और ST भी रहेगा, उन्होंने ये 8.36 के ऊपर रिजर्व हो जाएगा ST, और इसकी आबादी को उन्होंने 30 को डाला है एक नंबर में EB को,
763 और दो में डाला है 155 आबादी, तीन प्रभाग में डाला है 227 आबादी। तो ये 1145 का ये पूरा प्रभाग 2017 की स्थिति में 2022 में एज इट इज़ हो जाएगा। इनका SC ST का कोई कलेक्शन नहीं टूटेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के 4.7 आबासा का उल्लंघन से बचा जा सकता है। बिल्कुल की गई ना, हमने पूरा EB के साथ में उनको पूरा प्रपत्र बना के दिया है कि आपने 480 आबादी को कहाँ डाला है। हमने ये सब आपत्ति लगाई है और निर्वाचन अधिकारी वहाँ प्रतिनिधि भी आए थे राज्य निर्वाचन आयोग के, उन्होंने भी कहा, कलेक्टर साहब ने भी कहा है कि हम इसमें जो है नियमों के मुताबिक जो है सुधार करेंगे। अरे ऐसे ही प्रभाग एक है SC का, इसमें 40-52 की आबादी पर उन्होंने उसको रिजर्व किया है, जबकि उसकी आबादी है 7624। इसकी आबादी को उन्होंने एक प्रभाग में डाला है 4042 और दो में डाला है 2598 और तीन में डाला है 974। तो ये 7624 का प्रभाग एक हो जाएगा, उसमें SC भी रिजर्व होगी और ST भी रिजर्व होगी। 2017 में दो प्रभाग के अंदर दो वार्ड रिजर्व थे SC ST के लिए, परंतु अब की बार में उन्होंने जो है सिर्फ मात्र 28 के अंदर जो है SC ST डाला है, जबकि 28 प्रभाग रिजर्व हो ही नहीं सकता, एक नंबर होना चाहिए और 13 नंबर होना चाहिए। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए अब नांदेड़ में सागवान, इंजीस और नागपुरी सीमेंट के खूबसूरत डिजाइन और कलरफुल मजबूत चौखटें अभी खरीदे। गजानन हार्डवेयर, मालेगांव रोड, गीते पेट्रोल पंप के करीब, नांदेड़। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन मुंबई से मंजूरशुदा कोर्सेज, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन प्रोफेशनल ब्यूटिशियन। दाखिलों में जल्दी कीजिए। ग्लोबल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, उबेद रेसिडेंसी, माल्टीगिरी रोड, नांदेड़। हमेला खवातीन और औरतों के दिगर अमराज, बांझपन के इलाज के लिए, फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए, बेहतरीन आलात की सहूलत में, नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और जदगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म, केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुदरत, मावीन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम, चावलवाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलू नाका, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।